श्री विराट शांति गुरुभ्य नमः। मित्रों, आज का टॉपिक है वेल्थ। जैसे कि कल कुछ लोग आए, उन्होंने कहा विनय जी कुछ वेल्थ, कुछ बिजनेस पे टिप्स दीजिए। कल की तरह ही मैं शुरुआत आज उसी चीज से करना चाहूंगा। कोई पैसे वाला है, कोई गरीब है, इसका कारण क्या है? कई लोग सोचते हैं मेहनत, कई लोग सोचते हैं इंटेलिजेंसी, और बहुत सारे हम जैसे जैन सोचते हैं कर्म। मित्रों, बेसिकली एक चीज समझ लो, आपके जो कर्म होते हैं उसके दो विभाग होते हैं, सुख और दुख। उसके अलावा उनकी कोई बनावट नहीं होती है कि वो आपको किस रूप में दुखी करेंगे, किस रूप में सुखी करेंगे। एक एक्सेप्शन आप समझ लीजिए, सिर्फ आपकी कुंडली में अगर निकचित निर्धन योग है तब हाथ खड़े कर देती है डेस्टिनी, तब आप कुछ भी करो आपके पास धन नहीं आता है। लेकिन वैसे रेयर योग 1% या 2% जनों के होते हैं। 98% लोग जो होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं। बहुत सारी संभावनाएं होती है, वो पैसे वाले भी हो सकते हैं, वो गरीब भी रह सकते हैं। अब ये कैसे डिपेंड करता है, यहाँ से बहुत सारे जने आप राजस्थान से आए हो, सोचिए अगर आज के जो कर्म है, आज के जो स्टार्स है, उन्हीं कर्म उन्हीं स्टार्स के साथ आप भीलवाड़ा, उदयपुर या अपने गांव में होते तो क्या आपकी वेल्थ इतनी होती? शायद नहीं होती। तो सबसे पहले क्राइटेरिया ये समझिए कि सिर्फ आपके कर्म काम नहीं कर रहे हैं, क्षेत्र काम कर रहा है साथ में, आपके आइडियाज काम कर रहे हैं, आपकी सोच काम कर रही है, आप क्या चीज का सिलेक्शन कर रहे हैं। जैसे आप कोई भी ज्योतिष के पास जाते हो कि मैं किस चीज का व्यापार करूं, अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए शनि नीच का है और आप कुछ बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन लाइन, लेबर ओरिएंटेड लाइन में जाते हो, आपको नुकसान हो जाता है। ठीक उस समय अगर आप उस लाइन में नहीं गए होते और किसी ऐसी लाइन में गए होते जिसमें आपका ग्रह स्ट्रॉन्ग है तो आप पैसे कमा चुके होते हैं। ऐसा कोई निश्चित नहीं है। आदमी जो सोच रहे हैं कि मुझे हर एक साल में एक लॉस लगता है या हर 3 साल में मुझे लॉस लगता है, क्या ये डेस्टिनी है? बिल्कुल नहीं है। आप अपनी वर्किंग स्टाइल से, अपनी लाइफ स्टाइल से इन चीजों को बदल सकते हैं। अब किस सोच से पैसा आता है? सबसे पहले मैं आपको टेक्निकली चीजें बताऊंगा किस सोच से पैसा आता है, बिल्कुल एजुकेटेड लोगों के लिए। नो मंत्र, नो तंत्र, नो टोटका, कुछ भी नहीं, सिंपली एक एजुकेटेड व्यक्ति के लिए। दो तरह की मेंटली होती है पैसा, एसेट्स और लाइबिलिटी। यहां पे कुछ लोग सीए भी बैठे होंगे। एसेट्स और लाइबिलिटी, अगर उनको पूछा जाए एसेट्स क्या है, वो कहेंगे आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग, आपका घर, आपका बैंक बैलेंस, आपकी गाड़ी और बहुत सारी चीजें एसेट्स। लाइबिलिटी, आपका लोन जो आपको चुकाना है, जो भी आपके ऊपर लाइबिलिटी है, बैंक लोन, क्रेडिटर लोन, ये सब आपको चुकाना है, ये लाइबिलिटी। बस मित्रों, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, वेल्थ क्रिएशन के फर्स्ट फंडे में थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। एसेट्स का मतलब वो है जिसे आज आप खरीदते हैं और कल बेचते हैं तो उसमें एप्रिसिएशन हो। जैसे कि आपने लैंड ली, आज आपने 1 करोड़ में लैंड ली, 1 साल बाद में वो 1 करोड़ 10 लाख में बिकेगी, उसे एसेट्स कहते हैं। आपने गाड़ी ली, आज आपने 20 लाख में कोई गाड़ी ली, जब उसे बेचने जाओगे तो 15 लाख में बिकेगी, उसे लाइबिलिटी कहते हैं। आपकी गाड़ी लाइबिलिटी है, आपका मोबाइल लाइबिलिटी है, आपकी ज्वेलरी एसेट्स है, आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, आपका जो लैंड इन्वेस्टमेंट है वो एसेट्स है। मैं ये बेसिक इसलिए क्लियर करना चाहता हूं कि भले ही आप लोग सीए होंगे, आप लोगों ने पढ़ा, लेकिन नहीं, वेल्थ क्रिएशन के टाइम में बिल्कुल क्लियर हो जाओ, बिल्कुल एक बनिए की तरह सोचो कि जो आज मैंने खरीदा है कल 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे वो एसेट्स, जो आज मैंने खरीदा है कल 2 पैसे कम मिलेंगे वो लाइबिलिटी। अब पैसे वाले कौन होते हैं? दूसरा, पैसे वाले वो लोग होंगे जिनकी संज्ञा में, जिनके ध्यान में एसेट्स होगा। अगर कोई आदमी ये सोचता है मैं पैसे कमाऊं और बढ़िया सी एक BMW लेके आऊंगा, वो आदमी डाउन जाएगा। अगर कोई आदमी सोच रहा है मैं पैसे कमाऊंगा और उससे एक प्रॉपर्टी लूंगा, वो आदमी अप जाएगा। ये बड़ी
गहरी है। भले आज आपकी आय 50,000 महीने की 1,00,000 कुछ भी हो, वो डिपेंड नहीं है, आपकी सोच में क्या है। अगर आपकी सोच में एसेट्स है तो आप ग्रोथ करोगे ही करोगे, अगर लाइबिलिटी है तो धीरे धीरे आप कर्ज में डूबोगे ही डूबोगे। अब ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं यार गाड़ी लाना, ये लाना, आदमी के पास पैसा है, ये है, सब कुछ है, पर बेसिक एक चीज समझ लो। आज आप कोई भी मिलेनियर, कोई भी बिलेनियर समझो, वॉरेन बफेट को लो फॉर एग्जांपल, क्या है उसकी संज्ञा में? उसकी संज्ञा में है आज मैं इस कंपनी के शेयर खरीदूंगा, मुझे लग रहा है ये कंपनी ग्रो करेगी। कोको कोला कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। कोको कोला बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारी टीम उसकी रिसर्च करती है, बहुत सारी मार्केटिंग टीम है, एडवर्टाइजिंग टीम है, कम से कम उसके लाखों डीलर होंगे, करोड़ों कस्टमर होंगे, तब जाके ये प्रोडक्ट चल रहा है। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है, कोई बता सकता है? कोको कोला जो बिकता है उसमें सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? है जी, और कोई? उसमें सबसे ज्यादा पैसा कमाता है वॉरेन बफेट, क्योंकि उसके पास में हाईएस्ट होल्डिंग है। भले ही कोको कोला हो, भले ही जिलेट हो, भले ही कोई कंपनी हो, वो आदमी ना बर्डन ले रहा है ना प्रोडक्शन का, ना रिसर्च का, ना कोई क्वालिटी का, ना बर्डन ले रहा है मार्केटिंग का, ना बर्डन ले रहा है पेमेंट का। उसका ध्यान कितना सा है, ये कंपनी ग्रो करेगी, आई हैव टू इन्वेस्ट इन डेट एंड आई विल गेट डेट। मैं आज इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे इसमें ग्रोथ लग रही है। तो वो आदमी इस पूरी मेहनत के पीछे सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। अब बात ये आती है कि आप ध्यान किस पे देते हो, आप ध्यान किस पे देते हो? जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, आप रोजमर्रा की चीज पे ध्यान देते हो, मेरा कस्टमर जा रहा है, मेरी डील सही नहीं हो रही है, यह महीना मंदा है, यह ग्लोबल मंदी है, वो ध्यान देना छोड़ दो, अपने अंतिम लक्ष्य पे ध्यान दो। आपको साल का 5 करोड़ कमाना है, आप उस पे ध्यान दो। आपको 5 करोड़ कमाना है, सिर्फ उस पे ध्यान दो। अब वो कैसे आएगा उसको छोड़ दो, सिर्फ मंजिल को देखो, सिर्फ मंजिल पे ध्यान दो। अब ये कैसे होगा, रोज की डीलिंग है, रोज के अप डाउन आएंगे, कभी कस्टमर्स आएंगे, कभी क्रेडिटर्स का परेशान, कभी गवर्नमेंट के प्रॉब्लम, सब कुछ आएंगे, सब कुछ आएंगे, लेकिन उसके ऊपर ध्यान रखना छोड़ दो। आप ध्यान रखो अपने लक्ष्य पर। सोचो एक बैटरी का सेल है, उससे आप एक छोटा सा खिलौना चला सकते हो या एक रिमोट चला सकते हो, उसी सेल से एक बहुत बड़ा खिलौना भी चल सकता है। तो आपका जो चित है वो सेल की तरह है, आप उसे छोटी चीज में उलझा दो, लेबर के साथ में डिस्प्यूट्स करने में उलझा दो, ट्रांसपोर्टेशन के साथ में डिस्प्यूट करने में उलझा दो, क्रेडिटर्स के साथ डिस्प्यूट करने में उलझा दो, या फिर सिर्फ अपने प्रॉफिट पे ध्यान रखो। अगर आप अपने प्रॉफिट पे ध्यान रखते हो तो वो 5 करोड़ नहीं तो कहीं 4 करोड़, 4.5 करोड़ के आसपास आ जाएगा। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम रोजमर्रा की चीज पे ध्यान देते हैं। आज काउंटर सेल कम हुआ, यहाँ ज्वेलरी वाले होंगे, आज काउंटर सेल कम हुआ, आज ये चीज कम हुई, आज ग्लोबल मंदी है, गोल्ड के भाव नीचे जा रहे हैं, वो रोज अप डाउन हो रहे हैं, उस चीज को छोड़ दो। फाइनल अल्टीमेटम किस चीज पे आपका ध्यान है वो चीज आपको मिलेगी। ये गहरा सूत्र है, परिणाम पे ध्यान दो, सफर पे ध्यान मत दो। तुम्हें जोधपुर जाना है, बॉम्बे से जोधपुर जाना है, तुम जोधपुर पे ध्यान दो, ड्राइव करते जाओ, तुम्हारे दिमाग में जोधपुर है, तुम जोधपुर पहुंच जाओगे। प्लानिंग लेके मत बैठो, यहां से इतने किलोमीटर पे स्पीड ब्रेकर आएगा, यहां से इतने किलोमीटर पे वन वे होगा, व्हाटएवर भी, सिर्फ परिणाम पे ध्यान दो। जो लोग परिणाम पे ध्यान देंगे वो लोग उसे प्राप्त करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आप जो रोज के झंझट में जितनी ऊर्जा खोते हैं, खर्च करते हैं, उसी ऊर्जा से आप वो प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। एक आदमी, एक मजदूर जिसके पास में 2 हाथ 2 पैर 1 दिमाग है, आपके पास में भी 2 हाथ 2 पैर 1 दिमाग है, लेकिन वो 300 रुपए कमा रहा है, आप महीने के 30,00,000 कमा रहे हो, फर्क क्या है? सोचो फर्क क्या है। फर्क यही है कि वो उसके चित में 2 टाइम की रोटी है, आपके चित में क्या है, 30,00,000, साल के 3 करोड़, एक लेविस
घर हो, बहुत सारे सिक्योरिटी हो, फिक्स डिपॉजिट्स हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो, बस फर्क इतना ही है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, आप अपनी अर्निंग पे ध्यान दो ना दो, अर्निंग से कोई पैसे वाला नहीं होता है, पैसे वाले आप होंगे अपने इन्वेस्टमेंट से। आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो? अब लोगों का सवाल है, साहब 1 लाख रुपए तो महीने का कमा रहे, बचता ही नहीं है, क्या इन्वेस्ट करें? मित्रों, 1 लाख कमाओ या महीने के 30,000 कमाओ, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। अपने अंदर एक आदत डाल दो, जितना तुम कमा रहे हो उसका 30% तुम अलग कर लो। अगर तुम महीने का 40,000 कमा रहे हो, 12,000 रुपये अलग कर लो और उसे एक या दो जगह इन्वेस्ट करना शुरू करो, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, लैंड, जहाँ पे भी। आप हंसोगे कि 40,000 वाला क्या इन्वेस्ट करेगा, लेकिन यकीन मानिए आपकी जो सेविंग की आदत है वो आपको पैसे वाला बनाएगी। अगर आप 40,000 कमा रहे हो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो रियलिस्टिक है, एक आदमी महीने के 80,000 रुपीज़ की सैलरी थी, 20,000 उसने सेव किए, 20,000 उसने सेव किए, बहुत छोटा अमाउंट है, 20,000 उसने रिलायंस के एक म्यूचुअल फंड के अंदर डाला, 1 साल की कैलकुलेशन से हुए 2,40,000, 15 साल की कैलकुलेशन से हुआ है 36 लाख, 80,000 से बढ़ के उसकी सैलरी अभी हुई है 1.5 लाख रुपए, और आज की तारीख में उसका पोर्टफोलियो है 2.5 करोड़ रुपए। अगर 2.5 करोड़ एक राजस्थानी की सोच में सोचो, 2.5 करोड़ मतलब महीने का 2.5 लाख, ओके, 2.5 करोड़ का 1% इंटरेस्ट 2.5 लाख रुपए। अब सोचो जो व्यक्ति खुद 1.5 लाख रुपए कमा रहा है और उसका पैसा उसे 2.5 लाख रुपए कमा के दे रहा है, तो ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? वो व्यक्ति है उसका इन्वेस्टमेंट। व्यक्ति एक लिमिटेड आदमी है, उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, लेकिन उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो उसे पैसा वाला बनाएगा। अब प्रश्न आता है कि साहब ये तो सब बात की बातें हो गई, अभी क्या करें, शुरुआत में क्या करें? तो मित्रों, जब हम छोटे होते हैं साइकिल सीखते हैं, फिर स्कूटर सीखते हैं, फिर कार सीखते हैं, सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है? तो सबसे ज्यादा मुश्किल है शुरू के 5-10 करोड़ रुपए कमाना। उसके बाद में क्या होता है, आप में एक संपन्नता की फीलिंग आती है, आपका पैसा पैसों को खींचता है। आप इंटेलिजेंट हो नहीं हो, आप मेहनती हो नहीं हो, अगर आपके पास में 10 करोड़ रुपए है, कैसा भी आदमी हो, आई थिंक 1 करोड़ रुपए तो वो अर्न कर ही देगा, सिंपल फंडा है। तो आपसे ज्यादा पावरफुल है आपकी वेल्थ, और वो क्रिएट होगी इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप आज जहां भी हो, जो भी हो, जितनी इनकम से हो, अपने अंदर सेविंग की आदत डालें, 30% सेविंग, भले ही एक मारवाड़ी की बुद्धि को, या लेटेस्ट अभी रिसर्च आई, वॉरेन बफेट ने खुद ये दिया 70-30 रेशियो। तुम 1 करोड़ कमा रहे हो, 70 लाख में जो खर्च करना है कर लो, 30 लाख को फ्यूचर एसेट्स में इन्वेस्ट करो। एसेट्स क्या? इट कैन बी म्यूचुअल फंड, गोल्ड, आपके LICs हो गई, लैंड हो गई, जो भी जो एप्रिसिएट हो उसके अंदर इन्वेस्ट करो। आपकी ये आदत आपको पैसे वाला बनाएगी ही बनाएगी। इसके अलावा पैसों का कोई दूसरा सूत्र नहीं है। जितने लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, MCX के अंदर आप देख सकते हो लॉस, कितना लॉसेस होते हैं, कमाना कितना गए थे और लॉसेस कितना हो गए। इसके लिए सबसे पहले अपने अंदर में 30% सेविंग की आदत डालें। अगर कोई कहता है कि कोई मंत्र से पैसा आता है, कोई कहता है कि भाई ये इस चीज से पैसा आता है, सब कुछ होगा, लेकिन जो प्रकृति की थ्योरी है वो काम करेगी ही करेगी, उसके अलावा कोई सूत्र काम नहीं करेगा। अगर तुम 30% सेव करने की आदत नहीं रखते हो तो यू कांट ग्रो अप, कुछ भी हो यू कांट ग्रो अप। अब आप कोई भी बहाने बनाओ, खर्चा इतना है, नहीं बचता है, क्या करे, कुछ नहीं करे, ये चीज नहीं है। शुरू के 5-10 साल के अंदर आपको कटआउट करना पड़ेगा और वो सेविंग की आदत डालनी पड़ेगी। फिर क्या होगा सोचिए, 10 करोड़ रुपए, अब एक संपन्नता की फीलिंग। आज मेरे पास में 2-4 दिन पहले 2 लोग आए थे, वो लोग एकदम टेंस थे, 70 ईयर्स के हस्बैंड वाइफ थे, बच्चे सेटल हो गए। मैंने कहा बताइए, तो एकदम रोने लग गए। मैंने कहा क्या हुआ? क्या हम लोग एक्चुअली ट्यूशंस वगैरह देते हैं? बच्चे तो सब सेटल हो गए, उनसे लेना देना नहीं है, लेकिन
इनकम उतनी आ नहीं रही है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आप 70 इयर्स के हैं, रिटायर्ड हुए हैं, कुछ आपने सेविंग वगैरह भी की होगी कि हाँ 20-22 लाख रुपए है जिसका मंथली इंटरेस्ट 22,000 रुपए आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन 22,000 में इस बड़े शहर में खर्चा नहीं चलता है। ओके, तो मैंने कहा अब वो दोनों रोने लग गए। मैंने कहा क्या हुआ? वो कहने लग गए कि अगर मुझे कल कोई बीमारी हो गई तो मेरा मेडिकल एक्सपेंसेस का क्या होगा। वाइफ कहती है कि मैं महीने के 12,000 कमाती हूं, मेरे बच्चे यहां नहीं है, मैं किटी ज्वाइन की हुई हूं। ये कहते हैं तुम 12,000 भी मुझे दो। मैं क्यों दूं, मेरी जिंदगी क्या है, 70 इयर्स तो गए। बिल्कुल सही। मैंने भाई साहब को पूछा आपका घर का घर है क्या? हाँ। मैंने कहा क्या वर्थ होगी? कि 1.5 करोड़। मैंने कहा बॉस 1.5 करोड़ की एसेट्स तुम्हारे पास है, ज्यादा से ज्यादा बुरा से बुरा क्या होगा, घर बेच लो 1.5 लाख रुपए आएगा, 40,000 में कोई फ्लैट ले लेना, 1 लाख फिर भी बचेगा, 50,000 खर्च कर लेना फिर भी बचेगा। तुम इतने संपन्न हो उसके बाद में इतनी लाचारी सो कर रहे हो, तुम 10-10, 20-20 हज़ार रुपए के लिए रो रहे हो कि कमाई नहीं है। मैंने कहा ये मानसिक दुख है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अब 70 इयर्स के अंदर आप ये सोच रहे हो कि कल बीमारी हो गई तो क्या होगा, तो बीमार तो वो वैसे ही होना है। इसलिए मैंने उनको, मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं, जब तुम अप एंड डाउन से अपसेट होते हो तो बैठ जाओ, अपनी एसेट्स को काउंट करो एक पेपर पे, मेरे पास कितने लैंड है, मेरे घर की कीमत क्या है, मेरे अंदर फिक्स डिपॉजिट क्या है। ये फीलिंग आपके अंदर संपन्नता लेके आएगी। क्यों? कोई भी कह दे मेहनत या इंटेलिजेंसी, मैं कहूंगा पैसा उसी को मिलेगा जिसके अंदर संपन्नता की फीलिंग होगी। अब क्यों होगी, इसको सूत्र को समझे, क्यों होगी? हम मारवाड़ी है, घी में घी डालने का सुना है आपने? क्यों? कोई 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मांग रहा है कि भैया इसके अंदर इन्वेस्ट कर लो, 50% रिटर्न होगा, सब अपने पैसे ले जाके देंगे, प्लीज हमारे रख लो, हमारे रख लो, ठीक है। और एक कोई आपका जैन भाई आवे कि साहब पैसे नहीं है, बिजनेस शुरू करना है, कोई 20-1 लाख का लोन दे दो, सब मुंह फेर लेंगे एक दूसरे के, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी सोच है जहां है वहां डालो तो बढ़ के आएगा, जहां नहीं है वहां बिल्कुल मत डालो, जाने की रिस्क होगी। ये प्रकृति भी हम जैसे इंडिविजुअल के समूह से बनी हुई है, जिसके पास है उसको मिलेगा, जिसके पास नहीं है उसको नहीं मिलेगा। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग लाचारी की फ्रीक्वेंसी पे है, जो लोग अपनी बेसिक नेसेसिटी के लिए जी रहे हैं कि हमारा घर खर्च कैसे चलेगा, हमारे क्या होगा, हमें बीमारी हो गई तो क्या होगा, उनको प्रकृति कभी पैसा नहीं देगी। ऊपर से नीचे हो जावे, वो लोग कितने ही सच्चे हो, कितने ही अच्छे हो, प्रकृति उनको पैसा नहीं देगी। प्रकृति उनको पैसा देगी जो लोग संपन्न है, जिनमें संपन्नता है, जो कह रहे हैं है अपने पास 10-20 करोड़, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, इतने सॉलिड है हम, क्या हमारे अंदर वो फीलिंग है? अगर आपके अंदर वो फीलिंग है तो आपका पैसा बढ़ेगा। छोड़ दो रोजमर्रा का व्यापार क्या होता है, रोज का काउंटर क्या होता है, रोज कस्टमर क्या करते हैं, कुछ भी मत सोचो। संपन्नता की फीलिंग है तो तुम्हारा पैसा बढ़ेगा, निर्धनता की फीलिंग है तुम्हारा पैसा घटेगा, कुछ भी नहीं कर सकते। यही सूत्र महावीर ने आचारांग में कहा कि जिसके पास है उसको और मिलेगा, यही सूत्र जीसस ने बाइबल में कहा कि जिसके पास है उसको मिलेगा और जिसके पास नहीं है उससे छीन लिया जाएगा। इसलिए सोचो, देखो, अगर मेहनत से पैसा मिलता तो ये मजदूर जो इतनी मजदूरी कर रहे हैं क्या इनको प्रकृति पैसा नहीं देती? कितने कम्युनिस्ट हुए रसिया में, चाइना में, हम गरीबों को अमीर कर देंगे, हम अमीरों से धन लेके गरीबों में दे देंगे, हम इस भेदभाव को मिटाएंगे, क्या हुआ, क्या हुआ? आज भी आपको अगर डाटा पता हो तो कुल 300 लोगों के पास में दुनिया की आधी संपत्ति है, पूरी दुनिया की जीडीपी ऐड कर लो टोटल 300 लोगों के पास में आधी जीडीपी है, क्या हो गया? आज भी पैसे वाला पैसा बढ़ रहा है, गरीब उतना ही गरीब रह रहा है, क्योंकि हम उस सूत्र को नहीं जानते। हम कहते हैं प्रकृति अन्याय करती है, प्रकृति अन्याय नहीं करती है, प्रकृति का सीधा सा सूत्र समझ लो, जिसके पास है उसको मिलेगा और जो निर्धन है, जो निर्धनता की फ्रीक्वेंसी पर है उसको नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं, क्यों निर्धनता शो कर रहे हो, क्यों रोज रोज बात कर रहे हो बिजनेस मंदा है, क्यों ग्लोबल स्लोडाउन के बारे में बात कर रहे हो, क्यों नहीं सुबह बैठकर अपनी एसेट्स को फील करते हैं, क्यों नहीं अपने मंथली इनकम को फील करते हैं, ये महीना मस्त गया,
अगला महीना और मस्त जाएगा, सिर्फ आपके उस वाहो फीलिंग से। मस्त गया यार, 10 लाख हर महीने कमाते, इस महीने 12 लाख कमाया, मजा आ गया। ये मजा आ गया, ये अगले दिन 14, अगले मंथ 14 लाख करेगा। मुझे पूछते हैं कि बड़ा पैसा कैसे कमाया जाता है, तो मैं कहता हूं जब तुम्हें पैसा इन्वेस्ट करने की टेंशन होना तब तुम बड़ा पैसा कमाओगे। कि साहब ये क्या बात हुई, बिल्कुल। जब आपके महीने के 50 लाख बढ़ रहे हैं और आपके पास प्लानिंग नहीं है, आप बोलते हो म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिटर्न है, इंटरेस्ट पे ज़्यादा रिटर्न है, प्रॉपर्टी में ज़्यादा रिटर्न है, जब आपकी सोच में वो चीज़ आती है तब आपके पास में पैसा बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। अब दूसरी तरफ कोई कहे बच्ची बड़ी हो गई है, शादी के लिए पैसा नहीं है, नहीं मिलेगा। कोई कहेगा बीमारी है, ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए, नहीं मिलेगा। देख लो आपके सामने सृष्टि है, गरीब गरीब रह रहा है, पैसे वाला और पैसे वाला है। अब आप उस चीज को अन्याय कहो, आपकी मर्जी, बुद्धिमानी से उस चीज को मोल्ड कर दो कि ये वेल्थ क्रिएशन का ये तरीका है, तो आप कमा लोगे। तो सिंपल सा फंडा है, नंबर 1 सेविंग की आदत डालो, 30% सेविंग करो। 10,000 रुपए भी कोई कमा रहा हो बॉस, 3,000 रुपए पहले अलग कर दो, सोच लो 7,000 ही कमाया, 7,000 ही कमाया। कोई भी सक्सेसफुल आदमी है उसकी हिस्ट्री देख लेना, उसके अंदर ये आदत होगी ही होगी। ये नहीं है और मेरे को वो प्रॉपर्टी प्रपोजल मिला था 2 लाख रुपए में, मैंने लिया नहीं, उन्होंने लिया था, आज वो हो गई 20 करोड़ की। अरे यार मैं ले लेता तो मेरे 20 करोड़। आप क्यों नहीं ले पाए पता है? क्योंकि आप में वो सेविंग की मेंटेलिटी नहीं थी। अगर आपके अंदर सेविंग की मेंटेलिटी होगी तो प्रकृति आपको वैसे मौके देगी ही देगी। तो फर्स्ट चीज सेविंग की आदत डालो, सेकेंड चीज उसे प्रॉपर इन्वेस्ट करना जानो। प्रॉपर इन्वेस्ट एक जगह मत करो, लोभ में कभी मत आओ। ऐसे लग रहा है जैसे लैंड चल रही है तो सारा पैसा उठा के लैंड में डाल दिया, कभी मत करो। बड़ा अच्छा सूत्र है, कभी युद्ध हो गया तो लैंड पड़ी रह जाएगी, ईरान के अंदर हो रहा है। सोना कभी चोरी हो सकता है, किसी को दिया हुआ कभी डूब सकता है, इसलिए थोड़ा 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 हर जगह इन्वेस्ट करो, थोड़ा 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 हर जगह इन्वेस्ट करो। भले 1,000 रुपए SIP में डालो, आप बिलीव नहीं करो कि ये 15-20 साल में कितना पावरफुल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एसेट्स ओरिएंटेड मेंटेलिटी रखो कि भाई मैंने जो सेव किया है वो मैं अच्छे से डालो। एक दिन क्या होगा, आज मान लो आप 1 करोड़ 2 करोड़ कमा रहे हो, आपकी एसेट्स हो जाएगी 12 करोड़ 15 करोड़। अब आप बिजनेस रिस्क फ्री होके करोगे, क्यों? कि बिजनेस नहीं चलेगा तो भी मेरे पास में इतना रिटर्न आएगा कि मेरे को बेसिक नेसेसिटी की सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी या मेरे बच्चों की स्टडीज कैसे होगी, मेरा घर कैसे बनेगा, सब अपने आप होगा। क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास में इतना है कि रिटर्न आ रहा है। तो उस पोजीशन पे जाओ, उस पोजीशन तक जाने में मेहनत लगेगी, साइकिल सीखना है जैसे मेहनत लगेगी, लेकिन एक बार उस पोजीशन पे आ गया आदमी, उसके बाद में अपने आप से बढ़ेगा, अपने आप से। आज के बिजनेस को देखो, ज्वेलरी बिजनेस मार्जिन 8 से 10%, कॉपर का बिजनेस 5%। क्या इस कंपटीशन के अंदर कैसे आदमी पैसा कमाएगा, कितना पैसा कमा लेगा? हर बिजनेस की लिमिटेशन हो गई, इतनी कैपिटल इनपुट करो साल का इतना रिटर्न आएगा, इससे ज्यादा आएगा नहीं। हर बिजनेस इतना कंपटीशन हो, पर अगर आपका प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है आपने कोई 20 लाख की जमीन ली, वो फ्लूक ऐसा हुआ कि 20 करोड़ की हो गई, शायद 20 करोड़ 20 साल में आपने बिजनेस से कमाए नहीं कमाए उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट ने आपको कमा के दे दी है। तो सेकंड पॉइंट को समझो, हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को प्रॉपरली इन्वेस्ट करते जाओ। बिजनेस में एक्सेस कैपिटल मत रखो, एक्सेस कैपिटल हमेशा नुकसान करेगी, उधार दोगे टेंशन करोगे डूब जाएगा, निकालते रहो। तो ये सेकंड चीज है कि एसेट्स ओरिएंटेड मेंटेलिटी रखो। और जब भी आप डाउन होते हो ग्लोबल स्लोडाउन से, मंदी से, तो बैठो और अपनी एसेट्स पे ध्यान देना शुरू करो। गुरु कृपा से मेरे पास बहुत है, जब भी आपके मुंह से निकलेगा ना गुरु कृपा से मेरे पास बहुत है, उसके बाद में आपका पैसा बढ़ता है। और जो रोते हैं ना वो कहते हैं बाणिया रोता भला, पता नहीं किसने कहावत बना दी, बिल्कुल गलत कहावत है। आप जितना रोओगे प्रकृति कहेगी ये, क्योंकि सब खेल जो होता है ना, बाहर कोई नहीं बैठा है, बाहर कोई कृष्ण सृष्टि को नहीं चला रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो सृष्टि को चला रहा है। आपसे लोग आकर कहते हैं ग्लोबल स्लोडाउन है ना, बिल्कुल मंदी है, आप भी बातें करना शुरू कर देते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन लेता है, अच्छा मंदी है इसका बिजनेस मंदा करो,
यही होता है। कैसी भी मंदी आवे, कैसा भी स्लो डाउन आवे, मत एक्सेप्ट करो, बिल्कुल भी मत करो, अपना अच्छा ही होगा। अगर स्लो डाउन है तो दूसरे बियर करे, मैं क्यों बियर करूं, मेरा अच्छा ही होगा। इस तरीके से पॉजिटिव करो, ये बिजनेस की थ्योरी है। वरना अभी आज की तारीख में क्या है, हर बिजनेस स्लो डाउन पे है। अच्छे दिन कहाँ है मुझे नहीं पता, मोदी जी कहाँ पे रख के बैठे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सोचो अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो प्रकृति आपको ऐसी वे देगी जिससे आप अपने मंथली टारगेट, ईयरली टारगेट पूरा कर सकते हो। ये चीज लाइफ का फंडा है, इसलिए कभी भी नेगेटिव मत हो, हमेशा ध्यान ये दो। जब सारी दुनिया कह दे मंदी है मंदी है मंदी है, तब भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो बात मत जाने दो। आप तो कहो मेरा अच्छा है और अच्छा ही होगा, बार बार रिपीट करो अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, वो डालो अच्छा है और अच्छा ही होगा। ये हो गई टेक्निकल बातें। अब कुछ इन्वेस्टमेंट क्यों और कैसे। गोल्ड, मैं हमेशा गोल्ड पे जोर देता हूं। गोल्ड को आप मंथली खरीदो, हर मंथली, वैसे उसका रिटर्न 6% है मोटा मोटी 30 साल के अंदर, लेकिन आप खरीदो। क्यों खरीदो, गोल्ड के अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जो आपकी वेल्थ को स्टेबल कर सकता है, वो लक्ष्मी को टिका के रख सकता है। यहां से किसी को भी पूछ लो, चलो किसी को नहीं, किसी पे भी घर पे जाऊं, क्या प्रॉब्लम है, पैसा बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है, खर्च हो जाता है। यहां 100 में से 100 जनों को उठा के ये क्वेश्चन कर लो, सब एग्री करेंगे हमारे साथ ये होता है, पैसा कमाते हैं लेकिन रुकता नहीं है। गोल्ड उस वेल्थ को स्टेबल करता है, उसमें वो पावर है। अब ये बात वहम है या टेक्निकल है। पुराने जमानों में जब राजा महाराजा होते थे, उनकी वर्थ गोल्ड के हिसाब से होती थी। इस राजा के पास इतना गोल्ड है, ये पावरफुल है। आज की तारीख में करेंसी की जो कैलकुलेशन होती है वो गोल्ड से होती है। अगर डाटास देखो, चाइना ने 1.5 साल पहले गोल्ड का रिजर्व बेचा, अच्छा खासा रिजर्व बेचा, उसके बाद में उसकी इकोनॉमी काफ़ी डाउन आ रही है। और हमारे बुजुर्ग एक बात कहते थे और नोट कर लेना, 100% सही है, जब तुम अपने घर का गहना बेचना शुरू करते हो, आंख बंद करके कह दो तुम्हारा पतन होगा ही होगा। अगर तुम अपने घर की ज्वेलरी बेच रहे हो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें डाउन जाने से नहीं रोक सकती। और अगर तुम हर महीने हर मंथ गोल्ड खरीद के ला रहे हो, भले 10 ग्राम 5 ग्राम कुछ भी, तुम्हारी ग्रोथ होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इतने एनालिस्ट हुए, आज भी गोल्ड की चमक उतनी की उतनी ही है। अगर पिछले साल गोल्ड 25,000 के नीचे गया, लोगों ने कहा 18,000 तक जाएगा, अगर कोई विराट विचार पड़े उस टाइम में, मैंने एक चीज कही थी, गोल्ड की चमक कभी कम नहीं होगी। गोल्ड आप हर भाव में लो, बेचने के लिए नहीं, MCX में नहीं, अपने मंथली इन्वेस्टमेंट के लिए 5 ग्राम भी लो, क्योंकि जब आपके घर गोल्ड आएगा, ये आपकी संपन्नता को और बढ़ाएगा। ठीक उल्टा, जब आप गोल्ड बेचने जा रहे हो तब आपका पतन होगा ही होगा। मेरे पास में एक केस आया, उनके ऊपर काफी सारी डेब्ट्स हो गई थी, कर्ज हो गया था, तो वो लोग अपनी घर की ज्वेलरी बेच रहे थे। मैंने उनको रोका, मैंने कहा ज्वेलरी मत बेचो, प्रॉपर्टी बेच लो जो आपके पास है। कि प्रॉपर्टी एक्चुअली 5 करोड़ की, अभी मंदी है 4 करोड़ 3.5 करोड़ ही आ रहे हैं, हम नहीं बेचेंगे, हम गोल्ड बेचेंगे। उन्होंने गोल्ड बेचा, 2 महीने बाद में एक और लॉस हुआ, प्रॉपर्टी भी चली गई, वो भी हो गया और काफी हो गया। गोल्ड मत बेचो, जब तक लास्ट में बचाना है गोल्ड को बचाओ। इसके लिए, क्योंकि ये एक सूत्र है, इसको आप टेक्निकली समझोगे कि भाई कोई भी देश अपना गोल्ड रिजर्व बेच रहा है वो डाउन आएगा ही आएगा, ये प्रकृति की रचना है। गोल्ड में वो बरकत है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, जैसे आपका शनि ग्रह है, शनि की 7.5 सुनी होगी आपने, शनि की दशा कहते हैं निकाचित क्रम है। अब शनि करता क्या है, शनि आपके जो नर्व्स है उसमें ब्लड सर्कुलेशन स्लो कर देता है, एकदम स्लो। अब आप आलसी हो जाते हो, आप नेगेटिव हो जाते हो, हर काम धीरे धीरे करते हो, सब कुछ गलत होता है, कुछ भी सही नहीं होता, क्या करें, अब कुछ भी सही नहीं हो रहा है। गोल्ड उस ब्लड सर्कुलेशन को वापस सही कर सकता है, ये पावर गोल्ड के अंदर है। अगर आप पहले के जमाने में जाओ, राजा महाराजा क्यों गोल्ड पहनते थे, ये चीज कोई नहीं समझ पाएगा। यहाँ मुकुट पहनते थे गले में, यहाँ पे
ये चीज इसलिए है कि जो ब्लड सर्कुलेशन स्लो होने से आप में नेगेटिविटी आ रही है, आप में आलस आ रहा है, गोल्ड उस ब्लड सर्कुलेशन को वापस सही कर सकता है। ये पावर है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अपने मंथ में जितनी आपकी कैपेसिटी हो, 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम गोल्ड हमेशा लो। हर मंथ इसलिए कहता हूँ कि इसका एवरेज प्राइस आएगा, एक साथ में ब्लॉक मत करो, गोल्ड का प्राइस यहाँ आसपास ही रहेगा, तो हर मंथ लो उसको लेके देखो। अगर आपको महसूस नहीं हो मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 100% आपकी ग्रोथ होगी। हमारे चरम मंगल ग्रुप में जब मैंने इसकी शुरुआत करवाई कि हर पुष्य नक्षत्र को गोल्ड लो, आज हमारे शहर में पाली में तो गोल्ड की वीसी चलती है, पुष्य नक्षत्र को गोल्ड लिया जाता है कि भाई मेरा इतना, जिसकी चिट निकली वो गोल्ड ले लेगा, अगले महीने ऐसे चलता है। तो इस तरीके से तो कुछ चीज़ें हम समझे, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट में गोल्ड भी एक नेसेसरी पार्ट है। हम ये नहीं देखें कि 20 साल का रिटर्न तो 6% है, गोल्ड लेके क्या करे, ब्लॉक करे, नहीं, थोड़ा बहुत लो। और जो बरकत आती है ना, वो कहते हैं घर की लक्ष्मी किसे कहते हैं, वाइफ को। दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन गोल्ड लो, लेके उनको दो, क्योंकि जो उनकी प्रसन्नता होगी ना वो लक्ष्मी को रियली अट्रैक्ट कर लेगी। इसके लिए गोल्ड लेना चाहिए, कैसे भी हो थोड़ा थोड़ा गोल्ड लेते रहो। अब ये चीजें हो गई, फर्स्ट टेक्निकल, सेकंड कुछ इन्वेस्टमेंट। अब आ जाते हैं कुछ ऐसे टिप्स के ऊपर जहां आदमी के पास बिल्कुल पैसा नहीं और वहां से शुरुआत करता है। अगर आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में हो तो अष्टमी का उपवास करना शुरू करो। अष्टमी एक ऐसी तिथि है वो देवियों से कनेक्टेड है, और स्पेशली उस दिन जो ऊर्जा होती है वो लक्ष्मी से कनेक्टेड ऊर्जा है। अगर बहुत मेहनत करने पर भी कुछ नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें क्लिक नहीं हो रही है, तो अष्टमी का उपवास या एकासन कर ले, उससे आपके धन में वृद्धि हो सकती है। ये चीज़ होती है। सेकंड चीज़, आप दिवाली का तेला कर सकते हो। दिवाली के अंदर जो ग्रह स्थिति होती है, वो ग्रह स्थिति ऐसी होती है, वो अध्यात्म, तंत्र और संसार तीनों की मनोकामनाएं पूरी करने वाली होती है। आप कहीं पे भी चली जाओ, धनतेरस, रूप चौदस और अमावस, ये तीन दिन ऐसे हैं कि इसको सब मान्य करेंगे। जिसको स्पिरिचुअल करना है, साधु संत, उसको तेला कराते हैं। जिसको धन कमाना है वो भी तेला करता है, जिसको तंत्र सिद्ध करना है वो भी तेला करता है। तो ये जो दिवाली के तीन दिन है, इसमें एक ऐसी ऊर्जा रहती है, अक्सर नीति शास्त्र में कहते हैं कि इन तीन दिनों में जल में गंगा और तेल में लक्ष्मी का वास होता है, ये तीन दिनों के अंदर। तो कुछ प्रयोग बताए गए हैं उस दिन मालिश कैसे करके, और वो तरीके हैं वो आप विराट विचार में आगे आपके पास आएंगे। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कोई फाइनेंशियली टूटा हुआ है और उसको ज़रूरत है कि मेरा धन इम्प्रूव कैसे हो, तो वो अष्टमी का उपवास या एकासन शुरू करे और हर दिवाली का तिल्ला करने का लक्ष्य रखे। इस तरीके से जो बेसिक होगा, और भी किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो एकातर करना शुरू करें। एकातर करने से असाता वेदने कर्म की तो निजरा होगी ही होगी, लेकिन ये एकातर है ना, ऋषभ देव भगवान से कनेक्टेड है। ऋषभ देव भगवान एक प्रवृत्ति की साधना देने वाले थे, जिसने असी मसी कृषि जिसने सिखाई, काफ़ी फैलाव की साधना है, मतलब एकदम है। आप पूरे जैन सूत्रों में उठा के देखोगे ना, तो सिर्फ भक्तांबर ही एक ऐसा मिलेगा जो आपके सांसारिक सुखों को, धन, वेल्थ, विवाह, संतान, सबकी मनोकामना पूरी करता है। ऐसे 2-4 सूत्र ही है जैन धर्म में, मूल सूत्र, उसके बाद में ऐसे बाकी नहीं है। तो अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो तो कोई घर में एकातर कर ले और रोज भक्तांबर का पाठ करे, उससे भी आपका धन इम्प्रूव हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे टिप्स है। ये जो लास्ट वाला है, ये जो मैं अष्टमी का और ये बता रहा हूँ, ये बिल्कुल उन लोगों के लिए है जो नीचे हैं, जिनको ये ऊपर की बातों से मतलब नहीं है, गोल्ड लेना नहीं, इन्वेस्टमेंट लेना नहीं, जो बेसिक फैसिलिटी से जूझ रहे हैं, वो लोग थोड़ा सा डाइवर्जन कर दे, कर्म को बदल दे, थोड़ा सा जो फाइनेंस का कर्म है उसे अपने शरीर पर ले ले, उससे वो बदला जा सकता है अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो। तो इस तरीके से ये तीसरा स्टेज है कि कुछ चीज़ें होती है प्रकृति में, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, कुछ चीज़ें होती है जिससे आपका पैसा बढ़ता है। जैसे आपके गुरु ने कोई मंत्र दे दिया, आपको उस गुरु पे इतनी श्रद्धा है और उस गुरु की ब्लेसिंग्स आ गई कि जा तेरा पैसा बढ़ेगा। ऐसे शायद आप में भी
आपके जो संत होंगे वहां पे, मेवाड़ संत, आप अंबालाल जी मरा साहब या किसी से पूछा होगा कि जा बॉम्बे चला जा, सफेद चीज का काम कर लेना, और उसने किया, वो अरबोपति हो गया। तो होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपका जो धन का लॉर्ड है वो भाग्य स्थान या गुरु के स्थान पे होता है। तो एक गुरु का कहा हुआ आपको अरबों रुपए दे देगा। और अपने जैनों में तो ऐसा बहुत होता है, जिसको भी पूछो साउथ वाले लोगों का क्या हुआ, हस्तीमल जी महाराज साहब के पास गया था एक बार, रोया, उन्होंने कहा जा चेन्नई चल, चेन्नई जाके चला जा, बस वहां गया, बहुत पैसा हो गया। इवन घनश्याम दास जी बिरला की बात सुने, अगर उनकी कुंडली देखे तो उसमें इतना पैसा नहीं था एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, पर एक गणेश महाराज थे जिनकी उन्होंने खूब सेवा की, खूब सेवा की। गणेश महाराज, अगर किसी ने किस्सा सुना हो तो, कि ऐसा कर तो पूरब की तरफ चला जा। घनश्याम जी गए, रास्ते में सांप दिखा, वो वापिस आ गए, गणेश महाराज को कहा मैं गया सांप दिखा, कह रहे भोला जा तो नहीं, दुनिया में पया वड़ो वे तो कहीं को नहीं, अब जाई जा, अब चले जाना। फिर वो गया, अब वो इंडिया में पैसे वाला बना। तो कहते हैं कि कई बार आपकी गुरु की ब्लेसिंग्स, आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी मेहनत कुछ काम नहीं करती है, बस वो गुरु का कहा हुआ, आपकी श्रद्धा और गुरु का सद्भाव, ये कॉम्पैक्ट हुए। अब पता नहीं किस तरीके से, किस तरीके से पैसा बढ़ रहा है, कुछ भी पता नहीं। तो ये भी है, ये भी सूत्र है, अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिकल जो हमने पहले बात कर ली, एसेट्स की या ये वो, आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। कुछ नहीं था, सब गुरु की कृपा है। गुरुदेव ने कहा यहाँ चला जा, इस चीज का काम कर ले, मैंने किया और आज देख लो 50-100 करोड़ हो गए। तो वो भी है, जब आपकी कुंडली में जो गुरु का घर है 9th हाउस, अगर वो स्ट्रांग होता है तो इस तरीके से होता है कि आपके गुरु के कहने से या उनके आशीर्वाद से आपके कर्म बदल जाते हैं। सिर्फ जरूरत क्या है, गहरी श्रद्धा की, बाकी उनके आशीर्वाद से आपके कर्म बदल जाते हैं। एक और चीज है जो एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है, हर आदमी को एक पर्टिकुलर चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से उसका पैसा जल्दी बढ़ता है। अब ये एक एस्ट्रोलॉजिकल स्टेप हो गया। जैसे मेरे पास कई लोग आते हैं कि साहब ये है, हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कि तुम पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में करो, तुम्हारा प्रॉपर्टी में बढ़ेगा, तुम पर्टिकुलर जो है गोल्ड के अंदर करो तो तुम्हारा पैसा बढ़ेगा, तुम, मैं जैसे शुरू में कह रहा था लाइबिलिटीज गाड़ी वगैरह, लेकिन जब शुक्र आपको पैसा देता है तब मैं कहता हूँ अच्छी से अच्छी गाड़ी लाओ, अच्छे से अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनो, फ्लाइट के अंदर सफर करो। अब ये बिल्कुल उल्टा सूत्र हो गया कि पहले तो आप कह रहे थे लाइबिलिटी में मत जाओ, लेकिन जब आपका शुक्र अच्छा है, आपको धन देना चाहता है, तो वो क्या करेगा, आपको फ्लाइट में कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो आपको बड़ी डील दे देगा, आपको 5 स्टार के अंदर कोई बड़ा पैसे वाला मिलेगा जो आपको बड़ी डील दे देगा, आपको बिग डील मिल जाएगी। इसके लिए ये हर आदमी की अलग अलग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है। कोई आदमी ने जमीनों से करोड़ों कमाए, तो ऐसे भी कई लोग हैं जो जमीन में फंस गए। क्यों, कुंडली उठा के देखोगे, इसका मंगल अच्छा था, इसने जमीनों में पैसे कमाए, इसका मंगल खराब था, ये जमीनों में अटक गया। तो हम लोग जो चरम मंगल में बात करते हैं वो ये करते हैं कि एक तो हो गई जो जनरल बात है, जनरल बात कि भाई ये सूत्र है, लेकिन फिर काम क्या करते हैं, इंडिविजुअल बात। इंडिविजुअल चीज ये कि आपको क्या सूट करेगा, आपको क्या सूट करेगा। अब हर आदमी गोल्ड में पैसा कमाता है, गोल्ड का बिजनेस एक इजी बिजनेस है, कमाता है, लेकिन एक नीच के गुरु वाले ने वो किया, क्या हुआ, एक उसका मिलने वाला था 10 करोड़ का लॉस हो गया उसको। अब वो आया कि यार सब जने कमा रहे हैं, 99% गोल्ड का बिजनेस करने वाले कमाते हैं, ये 1% क्यों हुआ, कुंडली उठा के देखो गुरु नीच का। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या शुभ है, हमारे लिए क्या अशुभ है, हमें वो समझना पड़ेगा। तो ये इंडिविजुअल है, इसके लिए कई बार आपको विराट विचार के अंदर मिलेगा, इस राशि वाले आदमी को इस चीज के अंदर फायदा है, इस राशि वाले को इस चीज में फायदा है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो ये टोटल आज 4-5 टिप्स हो गए, जिसमें कुछ टिप्स प्रैक्टिकल एजुकेटेड लोगों के लिए है और कुछ टिप्स जो थोड़े से वहमी लोग के दो उनके लिए भी है। तो ये चीज है। अब आप मेरे को कोई क्वेश्चन पूछ लो, उसका मैं आंसर दे देता हूँ।